चलिए दोस्तों रेडी हो जाइए आज मेरे कॉलेज का एक्सपीरियंस जानने के लिए। मैं टेंथ से अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। कॉलेज हमें किस हिसाब से बेवकूफ़ बनाती है, कॉलेज किस हिसाब से सिर्फ एक धंधा रह चुका है आज, कोई भी कॉलेज, इसके बारे में भी बात करूँगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अनकट वीडियो है। टेंथ से शुरू करते हैं। टेंथ में मेरे थे 90% यानी कि मैं A1 स्टूडेंट था। ट्वेल्थ में भी मेरे अच्छे मार्क थे, 80% और मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था। मैं साइंस फील्ड से था, साइंस मेरा बैकग्राउंड था। अब साइंस बैकग्राउंड के बाद मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट करना था। और टीवीज़ में मैं क्या देखता था कि BBC अर्थ, डिस्कवरी, नेट जियो, और मेरा पैसन उसी ओर था। तो मैंने सोचा कि यदि मैं एज अ एंकर BBC अर्थ पे, डिस्कवरी चैनल पे यदि मुझे आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे कोर्स के बारे में पता चला कि आपको जर्नलिज्म करना पड़ेगा, यानी कि मुझे जर्नलिज्म करना पड़ेगा। एक कोर्स होता है जिन्हें कहा जाता है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, पूरे वर्ल्ड में चलता है, बहुत पुराना कोर्स है, जहाँ पे आपको क्या सिखाया जाएगा, आपको एंकरिंग सिखाई जाएगी, वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी, कैसे बोलना है, न्यूज़पेपर, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। अब मेरा इंटरेस्ट कैमरे के सामने बोलना, टीवी पे आना था, कुछ शूट करना था, एंकरिंग करना था, होस्ट करना था। तो मैंने यहाँ पे अपनी साइंस के बाद, इन्हें कहा जाता है आर्ट्स फील्ड, आर्ट्स में आता है मास कम्युनिकेशन, किसी भी फील्ड का बंदा कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि इंजीनियरिंग का यहाँ पे है ही, इंजीनियरिंग में थियरी होती है, आउटडेटेड कोर्स चलते हैं, मुझे लगा आर्ट्स में तो ऐसा नहीं होगा, आर्ट्स में तो बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। और जो हम सोचते हैं, जो मैंने सोचा था पहले कि मैं यदि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स ले लूँगा तो मुझे यहाँ पे माइक मिल जाएगा, कैमरा होगा, कॉलेज में स्टूडियो सेटअप होगा, वीडियो शूटिंग होगी, इंटरव्यू होगा, और मेरी ऐसे माइंड में इमेजिनेशन थी। मैंने एक कॉलेज है गुजरात की जानी मानी, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद अब मैं जब पहली बार पहले दिन कॉलेज में गया, मुझे लगा पहला दिन है तो इस हिसाब से कुछ था नहीं वहाँ पे। वहाँ पे कुछ 3 या 4 टीचर थे, वे थियरी पढ़ा रहे थे, और थियरी पढ़ाने के बाद 1-1 घंटे का क्लासेस था, चले गए पढ़ाने के बाद। जैसे 10th का नहीं दोस्तों, 8th क्लास में, 8 यानी कि जो प्राइमरी लेवल की हायर सेकंड जो होता है एजुकेशन, जो बच्चे पढ़ाते हैं, टीचर वहाँ पे जो पढ़ाते हैं, उसी हिसाब से इस कॉलेज में पढ़ाई हो रही थी। कुछ प्रैक्टिकल नहीं था, 1% भी प्रैक्टिकल नहीं था। 1 महीने तक मैंने देखा कि चल क्या रहा है, क्योंकि मैं जो सपने लेके आया था कि एंकर बनेंगे, टीवी में आएंगे, ये वो, फिर मुझे 1 महीने बाद पता चला। 1 महीने क्या हुआ दोस्तों, टीचर आते थे, कोई एक टॉपिक उठाया, पढ़ाया, लिखा, चले गए, कुछ प्रैक्टिकल नहीं। क्योंकि मैं आर्ट्स में था, जर्नलिज्म जैसी पूरी यानी कि 100% प्रैक्टिकल फील्ड में था। 1 महीने बाद पता चल गया कि एफर्ट खुद से लगाना पड़ेगा। कोई भी कॉलेज, मुझे पहले यह था कि इंजीनियरिंग और दूसरी जो फील्ड होती है वहाँ पे सिर्फ थियरी चलती है। नहीं दोस्तों, इंडिया की कोई भी कॉलेज उठा लीजिए, बड़ी कॉलेज में 2 या 3 कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, अदरवाइज सब जितनी भी कॉलेजेस है वहाँ पे आपकी यदि कुछ एक्सपेक्टेशन है कि कॉलेज आपको सक्सेसफुल बना देगी, नहीं बना पाएगी। मैं कॉलेज में रहा, मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ पे, नहीं तो स्टूडियो मिला, नहीं तो प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। जो टीचर वहाँ पे थे, वे टीचर यहाँ पे खुद जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन एंकरिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे। खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि खुद की पर्सनालिटी 3rd लेवल पे थी। वो क्या बच्चों को सिखाएगी किस हिसाब से बोलना है, किस हिसाब से पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को सस्ते में टीचर चाहिए तो विदाउट स्किल वाले टीचर ही लेने पड़ेंगे। अदरवाइज बड़े बड़े जो अच्छे टीचर है जिन्होंने खुद जर्नलिज्म किया, क्योंकि उनकी सैलरीज तो पर मंथ लाखों में होती है। बड़े बड़े जो एंकर देखते हैं उनकी सैलरी करोड़ों में होती है, वे एक्चुअल में पढ़ा सकते हैं लेकिन वे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इंस्टीट्यूट। तो इस हिसाब से फिर मैंने 1 ही महीने में अपना खुद का पाथ, अपना खुद का डायरेक्शन लेना शुरू किया। कॉलेज को 30% टाइम दिया, अपने काम को 70% टाइम दिया। तो दोस्तों ये कॉलेज की सच्चाई, मैं इन्हें डम्ब एक्सपीरियंस कह सकता हूँ। यहाँ पे कोई मैं कुछ मुझे कुछ दिक्कत नहीं है कहीं ना में, क्योंकि जिस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट रन होती है बड़ी बड़ी कॉलेजेस की, जब हम नए नए होते एडमिशन लेते हैं तब हमें एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता कोई भी यूनिवर्सिटी में। यदि आप प्राइवेट में, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको जो दिखाया गया इसके बारे में ऐसा कुछ होता नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वही पढ़ाया जाता है, एग्जाम होती है, लिखना होता है, 3 ईयर आपको वेस्ट करने होते हैं, उन्हें पैसा फी मिल जाएगी और फिर आपको निकाल देंगे। प्लेसमेंट के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे तो वो पुरानी बात हो गई, बड़ी IIT IIM को छोड़ के प्लेसमेंट को कोई बात नहीं होगी। तो दोस्तों यही था मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, मैंने शेयर कर दिया। यहाँ से मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा, जब अभी स्कूल में हो,
और आप सोच रहे हैं कि कॉलेज में जाने के बाद आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, कॉलेज आपकी लाइफ नहीं चेंज कर पाएगी। नो डाउट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कॉलेज का कैंपस है, कॉलेज का एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि मैं लाइफ चेंज करना चाहता। अदरवाइज कोई भी इस वर्ल्ड में आपकी लाइफ चेंज नहीं करना पाएगा। एजुकेशन का बात आप कोई भी ले रहे हो, आज यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है। मैंने जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कुछ भी सीखा यूट्यूब से फ्री में सीखा है, और इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो आप स्कूल में हो या फिर कॉलेजेस में हो, कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए कि यार ये स्कूल वाले कुछ कर नहीं रहे, कॉलेजेस वाले कुछ कर नहीं, आगे जाके कुछ अच्छा नहीं होगा। आपको आज से ही करना होगा, क्योंकि वर्ल्ड में दोस्तों एंड द यदि देखा जाए तो सब कुछ एक धंधा है। सबसे प्रॉफिटेबल धंधा पूरे वर्ल्ड में आज एजुकेशन है। एजुकेशन में आप 18,000 के 10 टीचर हायर करके ले आए, आपने यहाँ पे 500,000 स्टूडेंट यदि एक बार ले लिए, आप लैक्स ऑफ रुपीज़ की फीस चार्ज कर रहे हो, कितना करोड़ों का धंधा है, आसानी से बनता है। तो यही था दोस्तों मेरा होनेस्ट एक्सपीरियंस। मैं वापस बोल रहा हूँ होनेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करना आपके साथ जरूरी था। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से आपको कुछ इनसाइटफुल नॉलेज मिला है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो कॉलेज में जाने वाले हैं शेयर कीजिए, उन्हें भी कॉलेज की रियलिटी पता चले। और इस वीडियो में आप यहाँ तक बने हो इस चैनल पर दोस्तों, आपको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 360 डिग्री करियर ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर।